हमने ये चीज़ महसूस किया है और देखा भी है कई इलाकों में जा करके कि कोई इलाका है, गांव है, कस्बा है, खुद हमारे घर में हमारा भाई या हमारे रिश्तेदार बिल्कुल उसको कहते हैं ना गरीबी रेखा से नीचे भी पहुंच चुका है, खाने पीने को भी प्रॉब्लम चल रही है, पढ़ाई लिखाई रुक गई है, लेकिन वही इंसान जो उसका रिश्तेदार है, भाई है, चचा है, जो भी है, खड़े होकर मस्जिद बनवा रहे हैं, खड़े होकर बड़े बड़े इमाम बारगाह बनवा रहे हैं, जबकि तीन चार मौजूद हैं। तो इसके बारे में मेरा एतराज़ नहीं है नाज़रीन, लेकिन इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, साफ लफ्जों में हदीस मौजूद है, अगर किसी के पास 5 दिरहम है, 5 खजूर है, और वो उसको खर्च करना चाहता है 5 जगह के ऊपर, और आप रिवायत, देखिए रिवायत पढ़ना कमाल थोड़ी है, उसमें क्या निकल के आ रहा है उस पर आदमी की निगाह पड़े, वो अहम चीज जी। अभी आपको जो है क्लास में रख दिया जाए, ब्लैक बोर्ड दे दिया जाए, 5 चीजें हैं पढ़ाई, आप कैसे पढ़ाएंगे? आप नंबर 1 जी, नंबर 2 हदीस में यही तो होना चाहिए था, बिल्कुल 5 जगह खर्च करना है, तो नंबर 1 ये है, नंबर 1 नहीं कहा है पैगंबर जी, अफजलुहा, पहले को अफजल का, अफजल तरीन जगह क्या है, कहाँ खर्च करेगा वो? अला वालिद है, माँ बाप, सानिया दूसरे नंबर पर, अला नफ्स ही व अयाले, अपने ऊपर और अपने बाल बच्चों पर, ठीक है, फैमिली हो गई, रुक जाइए, फैमिली हो तो गई, लेकिन फैमिली पर मुकद्दम माँ बाप, पहले माँ बाप खाएंगे, फिर हम खाएंगे, फिर हमारा बच्चा खाएगा, सुम्म सालिसा अला कराबतिहिल फुकरा, गरीब रिश्तेदार, ثم الرابعة على جيرانه الفقراء, غريب पड़ोसी, ثم الخامسة في سبيل الله, 5वें नंबर पर है राह खुदा, खैरात, मस्जिद बना रहे, राह खुदा 5वें नंबर पर है, उसके बाद जो जुमला है हजरत का, फरमाते हैं वहिया अखस्सु अजरन, और ये जो फी सबील अल्लाह है ना, इसका सवाब सबसे कम है। अच्छा, रिश्तेदार, गरीब पड़ोसी, माँ बाप, फैमिली, ये ज्यादा है जी जी, बल्कि रिवायत तो यहाँ तक कहती है बकौल आपके, कि वो क्या कहा आपने, जो सतह गुरबत के भी नीचे है, या हिंदी में जो आपने कहा कि गरीबी रेखा से भी नीचे है, अगर ऐसा है जी, तो मस्जिद बनवाना तो दूर की बात है, 10 रुपया जो सदका निकाला है ना, वो भी कबूल नहीं है। पहले इधर देखो, ला सदकता वदू रहमिन मोहताज, सदका सदका नहीं है अगर कोई रिश्तेदार गरीब मौजूद है, अल्लाह अकबर, आपने उसकी मदद नहीं की, सदका निकाल रहे हैं, सदका कबूल नहीं है, पहले अपनों को देखो, उसके बाद फी सबीलिल्लाह, राह खुदा 5वें नंबर पर है।